नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। बीएड एडमिशन 2022-23 में अगर आप देखें कितने कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है और रिजल्ट्स क्या, ये एनालिसिस यहाँ पर है। अब बीएड सीईटी का देखते हैं, क्योंकि सीईएलसीटी भी इसी के अंदर आते हैं। सीईटी तो सभी कैंडिडेट देते हैं, मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इसलिए वो नंबर यहाँ इंक्लूड हो जाता है। इस साल लगभग 50,443 कैंडिडेट एडमिट हुए थे, जिसमें से एक कैंडिडेट सिर्फ डिसक्वालीफाई हुआ, क्योंकि उनको 0 मार्क्स मिला। तो लगभग एडमिशन के लिए जो कैंडिडेट है वो 50,442 कैंडिडेट्स है। अब आपको ये डाउट ज़रूर होगा कि आपका नंबर इस साल लगेगा या नहीं, और एग्जैक्टली कितने सीट्स है, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपका एडमिशन होगा या नहीं। अब ये जो डेटा, ये यहाँ डैशबोर्ड पर आता है, अब ये यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है। कितने यहाँ जो टोटल इनटेक है, कितने कॉलेजेस अप्रूव कर होते हैं एडमिशन के लिए, और कितना इनटेक होता है, मतलब कितने सीट्स अवेलेबल है, ये यहाँ पर पता चलेगा। अब यहाँ पे डेटा नहीं है, इसलिए हम लास्ट ईयर का डेटा देख लेते हैं। वो भी लगभग आइडेंटिकल है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल एप्लीकेशन जो लॉक है 50,000 ही है। जैसे कि इस साल भी हमने देखा कि 50,000 के अराउंड एप्लीकेशन आए हैं, जिन्होंने सीईटी के बाद कैप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 42,663 एप्लीकेशन वेरीफाइड हुए थे डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब इतने एलिजिबल कैंडिडेट थे। और 486 कॉलेजेस अवेलेबल थे, जिसमें 34,094 सीट्स अवेलेबल थे टोटल महाराष्ट्र में। अब देखिए फ़र्क कितना है, या 34,960 और या 40,000 अराउंड है। तो आप देखिए मोटे तौर पर 9,000 का फ़र्क है, 9,000 सीट एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं। उसके बावजूद भी आप देखो, एट द एंड ऑफ द एडमिशन प्रोसेस 2,590 सीट्स वैकेंट रहे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ड्रॉप आउट बहुत होता है, जो आखिर तक रुकते हैं उनको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि इसमें से ड्रॉप आउट ज़्यादा होते हैं। 9,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आने के बावजूद भी सीट्स वैकेंट रहे एट द एंड। और आप शुरू से अगर देखें तो रजिस्ट्रेशन करने वाले 52,476 थे, फिर जिन्होंने एप्लीकेशन लॉक किए वो यहाँ पे 2-3 हज़ार लॉस हो गया, ड्रॉप आउट हो गए। उसके बाद जब उनके एप्लीकेशन वेरीफाइड हुए तो यहाँ पे 7-8 हज़ार कम हो गए। तो इस साल भी आप ये आशा कर सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर 50,000 के अलावा अराउंड कुछ कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, तो आप भी देख सकते हैं यहाँ भी उतना ही लगभग संख्या है। तो भले ही सीट्स यहाँ पे 34,000 हो और एप्लीकेशन आपको 50,000 अराउंड आए हो, 16,000 कुछ ज़्यादा एप्लीकेशन आए, लेकिन धीरे धीरे ये ड्रॉप आउट्स होते जाते हैं, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस की वजह से कोई कैंडिडेट रुकता नहीं है, किसी का इंटरेस्ट निकल जाता है या कोई दूसरे कोर्सेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो जो आखिरी तक रुकता है, कि मुझे लगता है कि उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि ये दिखाता है, ये जो वैकेंट सीट है ये दिखाता है कि कैंडिडेट बाद में अवेलेबल नहीं, इसकी वजह से ये सीट्स अवेलेबल रह गए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो आखिर तक रुकते उनका एडमिशन होता है। तो आपको अगर सीरियसली करना ही है तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा, ताकि अगर सीट वैकेंट रहे तो आपको आपके पसंद का कॉलेज मिल जाएगा। तो आशा रखिए आपका स्कोर, कोई भी वो सीटी का स्कोर, आप वेट करिए लास्ट राउंड तक, ताकि आपका एडमिशन्स होने के चांसेस बढ़ जाए। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।